नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के रिकवरी रेट में सुधार, फिर भी मौत के आंकड़ों में उछाल। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला का निधन। दुर्ग में डॉक्टर की गंभीर लापरवाही आई सामने। 2 महीने के नवजात को बताया था कोरोना पॉजिटिव, अंतिम संस्कार के बाद रिपोर्ट निकली निगेटिव। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। जमीनी विवाद में हुआ खूनी संघर्ष, 3 गिरफ्तार, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। बलौदाबाजार जिला में के न्यूज इंडिया का खबर, पोल्ट्री फार्म संचालकों को मुर्गियां बेचने व सेल करने की अनुमति, के न्यूज इंडिया का खबर का हुआ असर। कोरबा में कोरोना का तांडव, जिले में आज 1033 नए कोरोना संक्रमित, 26 कोविड संक्रमितों की मौत। कोरबा में कोरोना का तांडव दिखा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बालोद से। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बालोद में, बड़ी खबर, प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। ग्राम भीमपुर व दुर्गी टोला में हुई बर्फबारी, बालोद से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मौसम ने करवटें बदली हैं। गांव की सड़कें बर्फ की चादर में तब्दील हो गई हैं। मौसम का एक बार फिर से मिजाज देखने को मिला है, मौसम ने मिजाज बदला है, जिसके बाद भीमपुरी दुर्गी टोला में बर्फबारी हुई है। आंधी तूफान के साथ ओले भी गिरे हैं। बालोद से खबर बता रहे हैं आपको, मौसम ने अपना मिजाज बदला है, साथ ही साथ ओले भी गिरे हैं। ग्राम भीमपुर व दुर्गी टोला में बर्फबारी हुई है, वहीं आंधी तूफान के साथ ओले भी गिरे हैं। गांव की सड़कें बर्फ की चादर में तब्दील हो गई हैं। एक और बड़ी खबर कोरबा से आ रही है। कोरबा जिले में कोरोना का तांडव देखने को मिला है। कोरबा जिले में कोरोना का तांडव देखने को मिला। आज 1033 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। संक्रमितों की संख्या में 590 पुरुष हैं और 443 महिलाएं शामिल हैं। जिले के 26 कोविड संक्रमितों की मौत हो गई है। जिले में कोरोना का तांडव लगातार जारी है। कोरबा से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर 1033 कोरोना संक्रमित मरीज आज मिले हैं। संक्रमितों में 590 पुरुष हैं और 443 महिलाएं शामिल हैं। वहीं 26 कोविड संक्रमितों की मौत हो गई है। के न्यूज इंडिया के दुर्ग जिला के संवाददाता रवि सोनकर की मात्र 2 महीने की नवजात भांजी बेबी रोही की मौत हो गई। डॉक्टर ने बच्ची को कोरोना पॉजिटिव बताया था। बच्ची के अंतिम संस्कार के बाद कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव आई। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की इतनी गंभीर लापरवाही ने मात्र 2 महीने की नवजात बच्ची की जान ले ली। कोरोना संकट काल के बीच हृदय विदारक घटना आई है सामने। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हो गई है। आज सुबह जमीनी विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। पिता पुत्र और पुत्री की लाठी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। वहीं एक अन्य पुत्र घायल बताया जा रहा है, जिसे 108 की मदद से अस्पताल भेजा गया। मामले पर 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। पथरिया थाना के जरेली गाँव की घटना बताई जा रही है।
बिलाईगढ़ ब्लॉक सहित पलोदा बाजार जिला में के न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें, बिलाईगढ़ इलाके के 200 से अधिक पोल्ट्री फार्म संचालकों को मुर्गियां बेचने व सेल करने का अनुमति लॉकडाउन में नहीं दिया गया था, जिसका खामियाजा पोल्ट्री फार्म संचालकों को भुगतना पड़ रहा था, जिसका खबर हमारे चैनल ने बड़े ही प्रमुखता से दिखाई थी। खबर दिखाए जाने के बाद तत्काल जिला प्रशासन बलौदा बाजार ने मामले को गंभीरता से लिया और इस बार 6 मई तक बढ़ाई गई लॉकडाउन में कुछ घंटों तक छूट दी और आदेश जारी किया। वहीं पोल्ट्री फार्म संचालकों में खुशी की लहर देखने को मिली है। अब पोल्ट्री फार्म संचालकों ने जिला प्रशासन और के न्यूज इंडिया की टीम को धन्यवाद भी दिया है। लॉकडाउन के दौरान पोल्ट्री बेचने में बहुत काफियों का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको देखते हुए हम लोग मीडिया से संपर्क किया तो प्रमुखता से खबर चलाने पर जिला प्रशासन द्वारा, हमारे बलौदा जिला प्रशासन के द्वारा तत्काल एक्शन मूड में आया और सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक होम डिलीवरी का पिकअप मिनी ट्रक में होम डिलीवरी करने का आदेश दिया। लॉकडाउन का जायजा लेने भ्रमण पर निकले बेमेतरा एसपी दिव्यांग पटेल, बेमेतरा सिग्नल चौक बैजी कोरेसरा थाना खमरिया एवं अन्य ग्रामों को लॉकडाउन का जायजा लिया। इस दौरान आमजन को लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। वहीं लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर चालान भी किया गया। साथ ही बेवजह व बिना मास्क के घूमने वाले 18 लोगों से 9,000 रुपये समन शुल्क लिया गया। समस्त थाना चौकी व यातायात स्टाफ द्वारा बेवजह वाहन में घूमने वाले 74 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई करते हुए उनसे 15,200 रुपये शुल्क लिए गए। बिलाईगढ़ ब्लॉक में सांस श्रमिक अधिकार और न्याय संगठन ने अनोखी पहल की। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन प्रशासन विवाह जैसे कार्यक्रम में 10 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दे रहा है। संगठन ने ऑनलाइन के माध्यम से वर्चुअली शामिल होकर विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। आपको बता दें, इस ऑनलाइन वर्चुअल विवाह में हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह सम्पन्न कराया गया। कार्यक्रम में वर वधु के रिश्तेदार और मित्रगण अलग अलग राज्य से शामिल हुए। जय भीम साथियों, मैं नीता लहरे पूरे इल्फत और शास्त्री को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सबने अपना आशीर्वाद और प्यार दिया। मेरी शादी में सम्मिलित होकर ऑनलाइन के माध्यम से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरे तरफ से भी आप सभी को, मेरे दोस्तों जितने भी हैं सभी को मेरे तरफ से भी धन्यवाद, गुरुजनों को भी, आपने हमारी इतनी मदद की। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अधिक संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन बनाकर वायरस के संक्रमित क्षेत्र से असंक्रमित क्षेत्र तक फैलने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तारतम्य में तहसील कठघोरा के ग्राम धमईपुर के बूढ़ापार मोहल्ला ग्राम खेर भवना के वार्ड क्रमांक 3 एवं 5 तालाब पारा मोहल्ला नगर निगम कोरबा के वार्ड क्रमांक 54 ग्राम दूर सर्व मंगला नगर निगम क्षेत्र के ही वार्ड क्रमांक 67 के दीपिका के वार्ड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संक्रमित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया गया। जिले में कोरोना के 335 नए मरीज मिले हैं। 9 लोगों की मौत का मामला सामने आया है, जहां पिछले 4 दिनों में 1,249 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना से जिले में मरने वालों की संख्या 157 पहुंच गई। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 4,187 पहुंच गई, जिनका उपचार
जारी है। एक ओर जहां कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं वो चिंता की बात है, वहीं दूसरी ओर राहत की बात यह है कि स्वस्थ होकर लौटने वालों की संख्या भी अच्छी खासी है। बढ़ते नजर आ रहा है, कहीं देर रात के बात करें तो 9 लोगों के मौत हो चुके हैं, वही अगर पूरे आंकड़े के बात करें तो 197 लोगों को कोरोना निगल चुके हैं। और वही देख सकते हैं कि जिले में जिस तरह से बड़ा भयावह रूप ले चुके हैं कोरोना, और शासन प्रशासन 3 बार लॉकडाउन बढ़ाया गया उसके बाद भी कहीं कम नज़र नहीं आ रहा है। छोटे छोटे पान ठेला, किराना दुकान, छोटे व्यापारियों को काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। शासन प्रशासन को इसमें कड़ाई से पालन करने की ज़रूरत है, जिसमें छोटे छोटे गरीब परिवार है उनको रोज़ खाने पीने के समस्या काफ़ी हो रहे हैं, और छोटे व्यापारियों को कुछ ऐसा राहत मिलना चाहिए जिसमें शासन को कुछ कड़ाई ठोस कदम उठाना चाहिए जिसमें कुछ हो सके। जी, के न्यूज़ से दुर्गा प्रसाद सेन, बेमेतरा। कोरिया जिले में एक बार फिर कड़ी कार्रवाई करते हुए चिरमिरी तहसीलदार विभोर यादव ने अग्रवाल ट्रेडर्स के किराना दुकान को सील कर दिया। आपको बता दें कि लगातार शिकायतें मिलने के बाद तहसीलदार विभोर यादव ने 10,000 रुपए की चलान के साथ दुकान को सील कर दिया। नहीं पाया गया मौके पर, और दुकानदार ने अपनी गलती भी स्वीकार की है कि लॉकडाउन को उल्लंघन किया गया है और अगली बार से नहीं करेंगे। और इस प्रकार की महामारी में जब लोग आपदा के शिकार हैं उस समय अवसर की तलाश करना और लॉकडाउन का परिपालन न करते हुए कोविड-19 के शर्तों को उल्लंघन करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुकान को सील कर दिया गया है, पीछे से भी उनको सामान देने की शिकायत मिली थी जिसको सील कर दिया गया है, और 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है ताकि बाकी दुकानदारों को भी इससे सबक मिले कि जो अभी भी कर रहे हैं ऐसे लोग जो आपदा के समय में, उन लोगों को सीख मिले। कोरिया